Teacher and a good teacher. Hello and welcome. My name is Tagar Kamath and you are watching Times of Faridabad. So today we are present at Inspire Academy. It is located in Vinayanagar, Faridabad. And as you know that today is the Teachers' Day, so we have come at the Inspire Academy and I would like to tell you that today we have the three best teachers of this academy. Although this institute has so many teachers, but due to some reasons they are not able to come. So we have come to discuss some of the and techniques teach the students, which can be very helpful for the other teachers. My dear friends, I would like to tell you that this institute has so many children. Even this is not an institute. If you will say this institute as school, if you will compare this institute with school, then there will be no more than school. But I would like to tell you that they have best results. If you will see the results, then you will get to know that how they teach and how many students they teach at the same time. So let's talk to the teachers over here. We have present the teachers. सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. थैंक यू सर. जैसा हमने सुना है बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, तो कौन से सन में आपने स्टार्ट किया था? मैंने 2015 में स्टार्ट किया था यहाँ पे. 2015 हाँ, इंस्टीट्यूट को चालू किया था. और 15 में फिर कुछ मेरे पार्टनर्स थे उनके साथ, कुछ रीजन की वजह से उन्होंने छोड़ दिया. बाद में क्या था, मैंने अकेले संभाला. आफ्टर डेट ये आए सर, उसके बाद सर को ज्वाइन कराया. तो सर आपका क्या नाम है और क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? मेरा नाम अंकित मौर्य है और मैं इंस्पायर अकेडमी में 4 साल से लगभग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा रहा हूँ. आपका इंट्रोडक्शन जानेंगे भैया? मेरा नाम तन्मय है और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ. मुझे अभी 2 साल हुए हैं पढ़ाते हुए यहाँ पर. सो आपने जैसे कि मेरे को सुनने में आया कि आपने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, बट आप धीरे धीरे करते करते आपने 2-3 फ्लोर ले लिए और आप पढ़ा रहे हैं. तो मतलब ये जर्नी कहाँ तक की रही, मतलब कितना स्ट्रगल आपने फेस किया? स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा फेस किया है. कोरोना टाइम में तो ख़त्म हो गया था हमारे इंस्टीट्यूट. जब मैंने 2015 में स्टार्ट किया था तो उस वक्त क्या है कि कुछ चेयर्स थी और मैट थी, बाकी वो चीज छोटा सा बोर्ड था उसमें, उससे स्टार्ट किया था. धीरे धीरे क्या हलते वहाँ पे कुछ रीजन की वजह से हमने वो चेंज किया. उसके बाद हम क्या हलते न्यू ग्रीन हिल स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे गए. उसके बाद जब कोरोना आया तो हम काफ़ी पीछे गए. जहाँ मेरा घर था वहाँ पढ़ाया मैंने कुछ दिन. उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ तब जाके हम यहाँ पे आए और यहाँ पे 1 साल से हम लगे हुए हैं. तो 1 साल के बाद से जो ग्रो हुई है सारी 1 साल के अंदर ही हुई है. ज़्यादातर मैक्सिमम ग्रोथ कोरोना खत्म होने के 1 साल में ही हुआ. अच्छा, तो इतनी सर मैसिव, इतनी मैसिव ग्रोथ हो गई जो ज़्यादातर किसी इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलती नहीं है. तो क्या ऐसी आप टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, अगर बता सके? देखिए टिप्स तो बहुत सारी हैं और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको पता है कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं और किस सिंपल वे में पढ़ाते हैं और कितना कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई कर सके. ये हमारी पूरी कोशिश होती है बच्चों को अपना बेस्ट देना और उनको जो हार्ड से हार्ड या टफ से टफ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इजी वे में उनको डिलीवर करना, ताकि उनके अंदर जो माइंड्स के अंदर जो कन्फ्यूजन सी बनी रहती है. कई बार क्या होता है कि बच्चा बाहर पढ़ रहा है या कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है और हम उसको कोशिश करते हैं कि उस डाउट को क्लियर किया जाए और उसके एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाता है. तो जो जितने डाउट्स होते हैं वो क्लास में क्लियर होते हैं या कोई स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती है? सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लासेस के अंदर ही क्लियर होते हैं. बट इन फ्यूचर हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी करने के लिए हमारी पूरी टीम सोच रही है कि इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाए और एक चैनल बना करके उस पर जो हमसे आउट ऑफ रीच है बच्चे उनको भी इस एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट. तो भैया फिजिक्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, मैं राइट? तो जैसे भैया ने अभी कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ आप शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आप फिजिक्स वाले को जानते होंगे, मिस्टर अलग है ना. सो उनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, आज की डेट में कह रहे हैं कि वो बहुत सस्ते में कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि काफी हद तक गलत है, सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी इनकम को इफेक्ट कर रहा है. क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं.
लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि ऑनलाइन में ऑनलाइन पढ़ना और ऑफलाइन पढ़ना दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आप ऑफलाइन में डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ, और डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप सामने सामने पे ही पूछ सकते हैं। आप रिटर्न में आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, या फिर आप वीडियो के थ्रू अगर बनाकर भेजोगे, वो ये कहते हैं कि आप मेल आईडी पे अपना डाउट डाल दो, हम आपका सॉल्यूशन जो है वीडियो सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। आप मेल पे किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, आप पूरा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे उसे। ठीक है, तो वो एक वहाँ पर उनका ड्रॉबैक है कि वो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर हम आगे जाकर ऑनलाइन करते भी हैं तो हम कह रहे हैं कि हम ऐसे टीचर्स प्रोवाइड कराएंगे, या फिर ऑनलाइन में अगर कुछ भी डाउट आता है तो हम उसी टाइम पर उसका डाउट क्लियर करवा देंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो भी डाउट्स आते हैं, मेरे ख्याल से हमारी क्लास में डाउट्स इसलिए नहीं आते क्योंकि हम बहुत हद तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बच्चा जो भी पूछ सकता है या जो भी क्वेश्चन टॉपिक में बन सकते हैं, हम सारे डिस्कस कर लेते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अगर आती भी है तो हम बच्चे से बोलते हैं आप क्लास के बाद रुक जाओ, हम क्लास के बाद बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि हाँ हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ रहा है। ठीक है, और एक साल में जो इतनी ग्रोथ हो गई है बहुत जल्दी, और ऐसा नहीं कि अलग पांडे गलत काम कर रहा है कुछ, ठीक है, हम बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, बाकी बस ये है कि अभी भी कुछ कमियां हैं उनके चैनल्स में। बाकी ये है कि अगर जैसे कोई कहता है कि बहुत सस्ता प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो 8,000 लगभग 10,000 के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि उनके बुक्स लेनी होती है, उनके बाकी जैसे डाउट सेशन के भी चार्जेस हैं, उनके जो सुपर चैट, वहाँ पर एक सिस्टम है कि आपको सुपर चैट लेना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तब जाकर आपके जो डाउट्स हैं वो लाइव क्लास में शो होंगे और वो टीचर्स बताएंगे उसे। तो लगभग लगभग कुछ नहीं तो 10-15 हज़ार तक का उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, और यही 10-15 हज़ार की कॉस्ट में हम आपको ऑफलाइन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उनकी कॉस्ट भी मतलब मिनिमम है कि बच्चा अफोर्ड कर पाए। बिल्कुल अफोर्ड कर पाएगा। अगर बाय चांस अगर कल को बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा तो हम स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो वो अगर स्कॉलरशिप टेस्ट में पास हो जाएगा तो हम उसकी फीस जितनी मिनिमम हो सकती है उतनी मिनिमम फीस में पढ़ाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई पढ़ने वाला बच्चा जो है वो फीस के वजह से नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, या किसी एग्जाम्स वगैरह की भी प्रिपरेशन करवाते हैं? अभी तो फिलहाल 12th बीकॉम तक की कराते हैं, अलग ग्रेजुएशन लेवल तक की एग्ज़ाम हमारे कहते हैं क्लासेस होती हैं। आगे जाके हमारा मोटिव है कि हम कहते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, कुछ सिविल डिफेंस जो भी आगे जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कराएंगे। अप्रॉक्स आपके पास इस इंस्टीट्यूशन में टीचर? अभी हमारे पास अराउंड 9 या 10 के आसपास टीचर हैं। 9 से 10 टीचर्स हैं, उससे तो जाहिर होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ा। तो जब हम कुछ भी हम नया फाउंड करते हैं या नया इन्वेंट करते हैं, सपोज इफ़ यू स्टार्ट अ बिजनेस, तो उसके लिए नाम सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने जो नाम रखा है इंस्पायर अकेडमी, मतलब किस चीज़ से इंस्पायर होके और किस तरीके से सोच के रखा? इंस्पायर तो कहते एक ये था कि हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ाने का मतलब ये तो है अब पढ़ा भी रहे हैं तो उसको मन में आ जाए कि हाँ इंस्पायर होगा, और बच्चा सोच के आए, मतलब पढ़ना तो चाहते हैं यार बच्चा, तो हम चाहते हैं कि एक बच्चा जो हमारे पास आ रहा है तो पढ़ाई को ऐसा सोचे ना इजी है, और उस चीज़ के लिए वो इंस्पायर रहे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के मन में ये रहे ना कि हाँ यहाँ पढ़ के शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए बाकी है। तो ये जैसे कि लोग बोलते हैं कि आर्ट्स, अगर लोग ज़्यादा ले लो कॉमर्स ले लो, स्टिल इट इज अ टैबू दैट इफ यू आर टेकिंग आर्ट्स देन इट मीन्स समवेयर यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। Still it is a taboo. So what would you say, like to say about this? जो भी है कहते हैं कि भाई आर्ट्स लेने से या स्कोप नहीं है, आगे करियर नहीं है, तो वो तो आप देख सकते हैं भाई जो UPSC का रिजल्ट है और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, ऐसे नहीं है कि आर्ट्स लेने के बाद पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसिकली वो डिमोटिवेट हो जाते हैं जो बच्चे जो पढ़ाई में वीक हो जाते हैं और उनको आर्ट्स लेनी पड़ती है और फिर वो सोचते हैं कि आगे करियर नहीं है। लेकिन मेरा उनसे ये कहना है कि भाई उन बच्चों से जो आर्ट्स ले रहे हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, और उनके आगे बहुत पूरा करियर पड़ा हुआ जिसमें वो शानदार अपना करियर बना सकते हैं, खास करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के सेक्टर के अंदर। और नॉट ओनली इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम सेक्टर्स, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अच्छा करते हो आप। ठीक है, तो वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और हमेशा इस ये जो टैबू की आप बात कर रहे हो, टैबू ऐसा है कि
वो सोसाइटी का एक है कॉन्सेप्ट है, ये मैं मानता हूँ कि आर्ट्स के बच्चों को लेकर के है कि इनको नॉलेज कम होती है, बट अगर वही बच्चा अगर अच्छे से प्रिपेयर करे अपने आप को, तो उसके लिए इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम है वो सिविल सर्विसेज है, उसके अंदर वो ट्राई करे। और मोस्टली आप देखोगे कि भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स जो कि कवर कर रहा है आर्ट्स, तो आप इसको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसको वापस जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको भी वापस आना पड़ता है आर्ट्स पढ़ने के लिए, या उन सब्जेक्ट्स की तरफ ह्यूमैनिटीज़ की तरफ फोकस करना ही पड़ता है। तो ये अगर आप शुरू से आपका एक गोल है कि आप लेके चलना चाहते हो इस चीज़ को, तो आपको पहले से अर्ली प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, और बहुत सारा स्कोप है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो भैया इस बार आपके ट्यूशन का रिजल्ट कैसा रहा? मतलब अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम्स खत्म हुए और रिजल्ट भी आया, 10th का भी आया, 12th का भी आया, सो व्हाट अबाउट द रिजल्ट? रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा रहा, लगभग 80% के आसपास जो बच्चे थे हमारे पास उसमें रिजल्ट काफ़ी सही था, मतलब अच्छा था। ठीक है, ये कह सकते हैं कि हमने जिन भी बच्चों को पढ़ाया लास्ट टाइम में, हमने 3 दिन 4 4 घंटे की क्लासेस ली हैं। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आया है। जो पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते थे कि भाई ये बच्चा जो है बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, और वो बच्चा आज इतने परसेंटेज ले आया कि हाँ, वो सोच रहे थे कि आर्ट्स लेगा बच्चा या कॉमर्स लेगा, वो साइंस ले रहा है आज। ठीक है, मतलब इतनी परसेंटेज आ गई है उसकी, तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ ग्रोथ तो है बच्चे में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी हमारे साथ काफी सारे बच्चे बैठे हैं जिनकी परसेंटेज 94 96, इवन देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट हंड्रेड आउट ऑफ, नॉट अ परसेंटेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे गॉट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड। सो कम ऑन, वी हैव सम ऑफ द स्टूडेंट हु स्टडी हियर, सो लेट्स टॉक टू देम, लेट्स डिस्कस some of the main points with them that how they feel while studying or what are the interesting things that is being taught by the teachers. So what's the good name, gentlemen? My name is Sameer Siddiqui and I am a student of class 12th from science stream. Okay. So how many subjects do you study here? Here I study physics and chemistry by Tanmay Bhaiya. Okay. So how does he teach? I think in this locality he is the best teacher as per my opinion, because he taught a lot and he gives 4 to 5 hour classes at the time of exams. Okay. So what would you like to say about your teachers? Hello, my name is Shikha. I would like to say one thing about my teachers, that whatever the teachers that we are having here are the best. We are having the best faculty here. And not just because of the way they teach, their behavior towards the students, and they are very empathetic towards the student. They like solve the problem which is apart from the study. So that is the very best thing that you can have here. Yeah, she is the one which I saw the poster of her. Even she got, how much percentage did you get? 87. Okay, that's a very great thing. So what do you like about this institute? Well, I think the teachers are really best. Okay. They give so much time and so much efforts, not on the exam time only, but every month, every day. And they write so many things, so many notes, and which are really free of cost. Okay. What is your favorite subject? My favorite subject is maths. Okay. How much did you score? I didn't score well. I scored 76 in 12th boards and 86 in 10th boards. Okay. And what about the other subjects? All subjects are good. I like to. So do you like the teaching methods of them? Yes, really good. Okay. Come on, let's talk to the another students. What about you? What would you like to say your institute? Hello sir, my name is Bhumi Tiwari and I would like to say that the teachers are really good, and this is not only an institute, this is our family, and all the teachers are like our family members. They teach very well, they put so much effort on us, and I would really like to say to Happy Teachers Day to my all teachers, and they are really good teachers of our institute, and the way they teach us is really best, and I can't got that kind of teacher in any other institute. This is my opinion, and thank you so much. Oh, that's a very good thing. What's your good name? My name is Kushboo Thakur. Yeah.
what would you like to say about this institute? I think this institute is very good, and their teachers is also good, and they are also kind. What do you study here? I'm coming here to spoken English. So, as you saw that they have so many students, so लगभग कितने students होंगे आपके पास? Around 450 के आसपास. 450. It's a very huge number. You know that in schools nowadays also, school doesn't have a lot of students as compared to this institute. After the COVID, many students, they were not able to pay their fees. They just cut off their name from the school. But this institute, it gives a very minimum fee. You know, if you don't have money, then you don't need to worry about it. I'm not here. So here you will get a very minimum fee. And the study of here is superb. As you saw, as you've seen the video of the student, they are really fluent in